लैला मजनू नहीं, मैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे ये बिल्कुल पूछ रही थी। बिल्कुल, और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। इसलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं हमारे तिहाड़ी सुधीर चौधरी से। तो पिछले दिनों एक अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को स्टेज पर चांटा लगाया था, जो कि अब उन्होंने कहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। पर हमारे गोदी मीडिया के चाटुकार, जिन्हें अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, वो इस इंसिडेंट पर पूरे एक एक घंटे का प्राइम टाइम शो करने में जुट गए थे। देखें हमारे चाटुकारों की कैसे हम पोल खोलते हैं इस क्लिप में। कभी भी हमारे देश में किसी एक्टर या कॉमेडियन को इस तरह से लोगों ने मंच पर जाकर थप्पड़ नहीं मारा। उनकी आलोचना जरूर की जाती है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन कभी भी हमारे देश के लोग इतने असहनशील नहीं हुए जैसा कि आज आपको विल स्मिथ ने करके दिखाया। इस घटना ने एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक्सपोज कर दिया और ये बता दिया है कि इन देशों के लोग ना तो सभ्य हैं और यहाँ का समाज भी उतना सहनशील नहीं है जितना कि अपने आप को दिखाते हैं। और ये देश लोकतंत्र के चैंपियन भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जगह अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको हमारे देश में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। इसकी तुलना जरा भारत से करके देखिए। तो हमारे तिहाड़ी रेजिडेंट कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अरे भाई साहब, ऐसे नॉर्मल तो कितने इंसिडेंट्स हैं जो हम गिनवा सकते हैं, पर हम आपको दिखाएंगे जो हमारे कमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ आप लोगों ने बदसलूकी की। और यही नहीं, हमारे यहाँ तो पद्मावत फिल्म आने पर तो लोगों का सर काटने तक की धमकी दी गई थी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी's फ्रेंड बीटन अप इन इंदौर कोर्ट कॉम्प्लेक्स। क्षत्रिय ग्रुप्स थ्रेटन संजय लीला बंसाली एंड दीपिका पादुकोण। अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा की तरफ से दीपिका पादुकोण को और संजय लीला भंसाली को या तो देश छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उनका सर कलम करने वालों को 5 करोड़ का इनाम अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा देगी। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे सुदर्शन न्यूज के घटिया पत्रकार सुरेश चौहान के नए कारनामे। प्लीज हमें एक बात बताएं कि भाई, उर्दू भाषा अगर इतनी ही खराब लगती है तो हमारे सुप्रीम लीडर से कहकर बैन क्यों नहीं करवा देते। पर नहीं, इस क्लिप में देखें हमारे सुरेश चौहान कैसे अनाप शनाप जो मन में आता है वो बोलते जाते हैं, और इनके जैसे चैनल देखने वाले भोले भाले लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं। हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, या गाय का बीप बीप जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है? क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है, तो फिर ये भाषा यहाँ पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे, लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो स्वयं ग्रह से आए हैं हिंदू वाले सनातनी, आप इनके पास गए, आपका नाम बताइए। विकास, मेरा नाम है। इनके पास गए थे बैंक के हेड ऑफिस में, सेक्टर 62 में नोएडा, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने भी मिलने से मना कर दिया, किसी ने बात करने से मना कर दिया, अंदर ही अंदर कॉल ट्रांसफर होती रही, मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं। मतलब नाम ही नहीं बताया, नाम इसका मतलब छुपाने वाला है। हमारी टीम आपको लेकर, हमारी टीम आपको लेकर आगे हल्दीराम जाए। अरे इतना ही नहीं, इसके न्यूज चैनल की एक चाटुकार तो सीधा हल्दीराम के पास पहुंच गई, उनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहुंच गई, और वहां जाकर यही सब अनाप शनाप बोलने लगी। पर हल्दीराम में काम करने वाली एक महिला ने जो इस चाटुकार की धज्जियां उड़ाई वो देखने योग्य है।
इस महिला ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तीन भाषाओं में लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, पर ये बात चाटुकारों के फूले हुए दिमाग में नहीं पड़ सकती। जो आपने इंग्लिश में लिख रखा है इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं इसमें क्यों दूं? मैं इस पे क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू। इट इज मैम, हाउ कम मेरा सवाल है आपसे, आपका सवाल मुझसे है, आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से है? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से है? आपसे पब्लिक के लिए क्यों इफ नो 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 बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहते हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? नहीं नहीं, आप इनको समझाइए, मतलब समझाने की जरूरत भी नहीं, वी आर नॉट हियर टू टेल हर एनीथिंग। Okay, so you are not going to tell me anything. आपको जो करना मैम आप वो करिए, because this kind of tantrums ना हल्दीराम्स I'm not gonna entertain at all. But हल्दीराम is gonna to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं। You can have this is not going to hazard from you like is an any health habit or anything. How do I believe you? ये उर्दू में क्यों लिखा है आपने? Do not. ये आपने उर्दू में क्यों लिखा है? हाँ. आप ये करिए. नहीं मुझे बताइए ना. मेरा यहाँ पे आके ऐसा क्या लिखा है? ऐसा क्या करने वाला? Ma'am, if you want to have this, you can have it. If you don't wanna have it, please keep it here and just go from my outlet. This is what I'm gonna tell you clear words. Because this is what you are doing now, this is not acceptable at all. And being an outleted, I'm not gonna tolerate this anymore. आपको उसमें ऐसा बाकी किसी पैकेट में योर थिंकिंग आपको अगर ऐसा लग रहा है एनिमल ऑयल, बीफ ऑयल, वट एवर यू कैन थिंक क्यों क्यों छुपाया क्यों है वो उस भाषा? जस्ट बिकॉज अगर आपको लग रहा है आप माइक पे आकर कुछ भी बोल रही हैं एंड यू थिंक कि आप पूछ सकती हैं तो आप पूछिए। मैं कुछ भी नहीं बोल रही। लिखा है डिस्क्रिप्टिव तो आप बताइए। नहीं लिखा है ना? अरे जो लिखा है वो तो पढ़िए ना, आपको वही लैंग्वेज क्यों देखनी है? अगर मेरे यहाँ पे इंडियंस में मेरे पास यहाँ पे तीन ऐसे कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, अगर उनको उर्दू भी आती है और उनके लिए मैंने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपको सिर्फ वही प्रिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ना है जिसकी लैंग्वेज को आपके लिए रेफर नहीं हो रही है? मुझे पढ़ना है। अरे तो आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है? व्रत के लिए स्पेशली बनाया है, आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है मैम? आपको इंग्लिश हिंदी भी आपके लिए है वहाँ पे। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे गोदी मीडिया के चाटुकारों का पाकिस्तान से कितना प्रेम प्यार है। इन्हें हमारे देश में कंपनियों के निजीकरण से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हमारे देश में बढ़ती महंगाई से कोई मतलब नहीं है, पर इन्हें मतलब है तो दूसरे देशों में क्या चल रहा है उससे। As usual. The man calls himself an Imranist. The party is in shambles. He's an Imranist. There is no food in the streets of Pakistan. He's an Imranist. The price of sugar has gone up 100%. He's an Imranist. There is no wheat available on the streets of Pakistan. He's an Imranist. There's an all-out war. People are calling chichingi tada, cherry blossom, chuha, and diesel. And this man says he's an Imranist. Sushant Sareen, this is absolutely frighteningly crazy. एक ओवर में छह गेंदे होती हैं। दावा है कि अब इमरान खान के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इसीलिए आज भारत पाकिस्तान से एक साथ लाइव शो हम करेंगे। 65 पिटे, 71 पिटे, 99 पिटे, बालाकोट पे पिटे, सर्जिकल स्ट्राइक पे पिटे। मोदी बचाएंगे इमरान की कुर्सी। बड़ी खबर ये है, इमरान का गेम ओवर, इमरान खान का जाना तय है। इमरान खान के चेहरे पे देखिए, चेहरे के भाव से आप समझेंगे ये इमरान की कैबिनेट बैठक थी। सबके चेहरे उड़े हुए हैं, देखिए जरा चेहरों से रंग उड़ा हुआ है। इमरान खान का गेम ओवर होने जा रहा है, बाजवा नवाज का खेल, क्या इस टेस्ट में इमरान हो जाएंगे फेल? आखिरी ओवर तक क्या खेल पाएंगे इमरान? आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं और ये आरोप देखिए इस बार मैं नहीं लगा रही हूँ, अब्दुल समद याकूब साहब लगा रहे हैं। आप कहाँ से लाए इतना पैसा? एक सांसद को आप इस तरीके से खरीद रहे हैं जैसे लौकी और टिंडे। अगले क्लिप में हम देखेंगे जब एबीपी न्यूज में बुलाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ये BND एंकर कश्मीरी पंडितों पर कुछ विवादित जवाब लेने का पुरजोर प्रयास करता रहा, पर जिस तरीके से नवाजुद्दीन ने इसके प्रश्नों का जवाब दिया है वो देखने योग्य है। और यही इन जैसे चाटुकारों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। फाइल्स देखी आपने? अभी नहीं देखी मैंने। देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। मन है? हाँ मन है बिल्कुल। क्यों देखेंगे? फिल्म देखने मैं देखूंगा क्योंकि लोग देख रहे हैं इसलिए भी देखूंगा। तो इस फिल्म को लेके बहुत सी बातें कही जा रही हैं।
कि बॉलीवुड ने इस फिल्म को रोकने के भरपूर प्रयास किए। विवेक अग्निहोत्री साहब का बयान था फिल्म में, इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है कर का, जिन्होंने फिल्म बनाई। आपको ऐसा लगता है कि कोई ताकतें हैं जो इस फिल्म को रोकना चाहती हैं और कोई ताकतें हैं जो इस फिल्म को दिखाना चाहती हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ये तो पता नहीं, बट ये है कि फिल्म का हर डायरेक्टर का अपना एक नजरिया होता है फिल्म बनाने का, तो उन्होंने बनाई, अपने नजरिए से फिल्म बनाई है, विच इज गुड। और आने वाले वक्त में भी लोग बनाएंगे, अपने अपने नजरियों को लेके बनाएंगे फिल्म, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कश्मीरी पंडितों ने क्यों कश्मीर छोड़ा 1989-90 के दौर में, वो कहानी दिखाती है फिल्म, रियलिस्टिक कहते हैं कहानी है। आपको लगता है कि सिनेमेटिक लिबर्टी इस तरह की रियल स्टोरीज के साथ लेनी चाहिए किसी फिल्म मेकर को, या डॉक्यूमेंट्री तक ये चीजें सीमित होनी चाहिए? नहीं, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? फिल्में भी बननी चाहिए और वो थोड़ा सा एड ऑन भी किया जाता है, व्हाटएवर जो भी, मुझे नहीं मालूम, मैंने चूंकि ये फिल्म देखी, इस फिल्म के साथ क्या हुआ क्या नहीं है, बट जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका अपना एक खास इंटरप्रिटेशन होता है किसी चीज को देखने का। मरना है क्या भोसड़े के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहे है तू त्रिवेदी, और थोड़ी देर में आ जाता मुठ मार के, संभाल इसको अपने टट्टू को। 50% वो 1% भी आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मोदी इस देश से महंगाई बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, और मोदी इन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं, इतना जज्बा उस व्यक्ति के अंदर। तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे तो फिर तो बिना डीजल पेट्रोल के चल जाएगा काम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.